Hi. So today I am going to show you how to change the cartridge on a SME 3012 tone arm and how to balance it. It's a pretty simple job, but just for the heck of it, let's take a look. First of all, we need to remove this cartridge because I want to replace it. So here you go, and this goes at a safe place. Now, this is the new cartridge that I want to install. This is heavy, it has got more weight. Yeah, that was a high compliance cartridge. You put it back into the this thing and tighten the collar. Ek bar aapne tight kar diya, to ye cheez aapki fit ho gayi. Now there are two things that you have to manage, the weight and the anti-skate. Now with I know that this main weight needs to move backwards because I keep changing these pretty frequently. So let us loosen this up from here. And move it to a point which I have already marked with a permanent marker. As you can see, there are black marks. So this is where you need to tighten it. Once done, all I need to do is use this Shure SFG2. This is the one that I use to, check the weight of the stylus pressure. Here you put it in. And for this cartridge, I need a tracking weight of 2.5. How do we achieve it? We simply slide this and I take it to 1.25, and I will place my needle over here, not in the first line, the second line. जब आप सेकेंड लाइन पे रखते हैं तो 1.25 का डबल हो जाता है, यानी 2.5 विल बी ऑब्टेंड. तो अभी इस बार इसको रख के देखते हैं कितना बता रहा है. आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों बार्स हैं ब्लैक वाले, ये वाला बार अभी नीचे है, यानी मुझे थोड़ा वेट और बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये ऊपर आके इसके बराबर में आ जाए. तो यहां से आप इसको हटाएं और ये काउंटर वेट जो है छोटा वाला, इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएं. मेरा ख्याल है कि अब ये खो जाना चाहिए. तो एक बार फिर से ले आया, ये ज्यादा हो गया. एज यू कैन सी, ये वाली चीज जो है काफी ऊपर चली गई. तो थोड़ा उसको पीछे कर लेते हैं. ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों बिल्कुल बराबर हो गए हैं. उसके पीछे एक पॉलिश्ड सरफेस है आईने की तरह, उसमें भी आपको दिख रहा होगा कि वो दोनों स्केल्स एकदम बराबर हो गए हैं. ये 1.25 पे है, ये इस पे बैलेंस्ड. आई हैव अचीव्ड द वेट दैट आई वांटेड फॉर दिस स्टाइलस. अभी इसको रिमूव किया, आप इसको लॉक करें और एंटी स्केट को करें. ये जो एंटी स्केट की ये नाइलन की रस्सी है, ये जो सबसे नीचे पीछे वाला जो ग्रूव है, ये जीरो है, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. तो पांच बार मुझे आगे जाना पड़ेगा. तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 विल गिव मी 2.5 का एंटी स्केट. तो आई नीड टू कीप इट हियर. दूसरी बात यह है कि ये जो आपका हुक है वो कहां होना चाहिए. तो उसके लिए आप एसएमई के उसमें जाएंगे ना, मैनुअल्स में, तो आप देखेंगे कि व्हेन यू कीप योर टोन आर्म लाइक दिस, अब इसको आप एक लंबी सी डंडी माने और ये जो धागा बन रहा है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्रीज पे होना चाहिए. तो अकॉर्डिंगली आप उस हुक को आगे या पीछे करके, वो कॉलर में नीचे आप देख रहे होंगे एक नट है, उस नट को आप टाइट कर दें. तो मैंने पहले से ये किया हुआ है, तो आई हैव एक्चुअली अचीव्ड माई टोनर का जो मुझे बैलेंसिंग करना था वो हो गया. अब निडिल 2.5 का प्रेशर डालेगी
और 2.5 का ही एंटी स्केट भी रहेगा, तो निडिल विल बी परफेक्टली इन द ग्रूव. यू नो आवर आइडिया इज कि निडिल आगे भी जंप ना करे और पीछे की तरफ ड्रैग भी मत करे. तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो वेट आप स्टाइलस प्रेशर का दे रहे हैं ना, वही वाला उतना ही, अगर 2 दिया तो इधर भी 2 करने का, इधर 2.5 है तो इधर भी 2.5 नहीं है. तो दिस इज हाउ यू अचीव. अब इसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान देनी है, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, ये मेन वेट होता है, ये काउंटर वेट होता है, ये एंटी स्केट की नाइलन की वो वेट, नाइलन वेट होता है, ये हुक है और ये आपका कार्ट्रिज का रिप्लेसमेंट की जगह है. ये कॉलर है, इसको टाइट करना और लूजन करना. यू हैव टू बी केयरफुल जब आप पुल करते हैं कि उंगली न लग जाए नीचे, नहीं तो निडल टूट जाती है. तो हमेशा इसको ऊपर से पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ के तब करते हैं. या अगर आपके पास स्टाइलस गार्ड है तो स्टाइलस गार्ड लगा के उसके बाद इसको खोलें या बंद करें. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल थ्रू आउट द प्रोसेस, अदरवाइज यू माइट रन अ रिस्क ऑफ यू नो रूइनिंग योर एक्सपेंसिव कार्ट्रिजेस. सो दैट्स इट. बहुत से लोग बिना स्टाइलस गेज के करते हैं, वो नहीं करना चाहिए. आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू शुड बाई यू नो दिस काइंड ऑफ स्टाइलस प्रेशर मॉनिटर करने के लिए आपके पास ये चीज होनी चाहिए. दिस इज प्रिटी नाइस. इट वर्क्स विद यू नो हाई कंप्लायंस कार्ट्रिजेस और लो कंप्लायंस कार्ट्रिजेस अप टू अ स्टाइलस प्रेशर ऑफ 1.5 एंड 1.5 इंटू 2 3. तो 3 ग्राम से ज्यादा की कोई कार्ट्रिज मैं वैसे भी यूज नहीं करता. तो दैट्स हाउ यू डू इट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी. थैंक यू वेरी मच.